जैन दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए मेरे भाई, यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ते हो तो आप तो कूलाम के नियम के बारे में जरूर सुने होंगे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर आता है, और ये नहीं आता है ना तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो जरूर आता है, 100% आता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक आज की वीडियो में समझ लीजिए। देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, अगर रटिएगा तो एग्जाम में लिख के नहीं आ पाइएगा। एक लाइन लिखिएगा, दूसरी लाइन में अटक जाइएगा। इसलिए से समझिए, हर शब्द का अर्थ मैं बताते चलूंगा, इस नियम का उपयोग क्या है, यह नियम कितना महत्वपूर्ण है, यह सारी चीज की जानकारी मैं आज की वीडियो में दूंगा और काफी आसान भाषा में। देखिए मेरे भाई, इस नियम का नाम कूलाम का नियम क्यों पड़ा, क्योंकि इस नियम को जो देने वाले थे ना, उनका नाम भी कूलाम था, इसलिए वो अपने नाम पर इस नियम का नाम रख दिए कूलाम का नियम। क्लियर है? तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता होता है नहीं। तो जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम को समझने के लिए, यहां से यहां तक समझने के लिए आपको एक छोटा सा फिगर समझना होगा, जो कि इस पेज पर मैं बताने वाला हूं। एक पेज ले लेता हूं मैं, देखिए इस पेज पर बताने वाला हूं। देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, बस छोटा सा फिगर है, बस ये फिगर समझ लिए तो समझे कि आप कूलाम का नियम समझ लीजिए, समझ लिए ठीक है। एक कोई बिंदु ले लीजिए, एक कोई भी बिंदु, हमने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु को हमने नाम ए दे दिया। आप इस बिंदु को नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए भाई, अपना भी नाम दे दीजिए यहां पर, जो भी आपका नाम है। तो हमने एक बिंदु ले लिया, उसका नाम हमने ए दे दिया। यहां से हमने कुछ दूरी पर, तो आप जितना भी दूरी ले सकते हैं, कोई उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है, हमने एक बिंदु और लिया जिसका नाम हमने बी दे दिया। अब यहां पर भी आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब हमने माना कि इस ए से और बी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, तो वो आर है। कितनी हमने दूरी मान ली, वो आर मान ली हमने, ठीक है। इतना क्लियर है। एक हमने बिंदु ए लिया, इससे आर दूरी पर हमने एक बिंदु बी ले लिया। अब आप आवेश के बारे में पढ़े होंगे, आवेश क्या होता है भाई, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में चुंबकीय या विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। अब आवेश तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आवेश मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो ये नियम तो आपको हरगिज समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाकर आवेश समझे कि आवेश होता क्या है, आवेश क्या क्या होते हैं, वो आप, मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ क्या होगा आवेश, ठीक है। तो मैं यहां पर एक प्लस क्यू आवेश रखता हूं यहां पे, फिर यहां पर प्लस क्यू वन आवेश रखता हूं, यहां पर प्लस क्यू टू आवेश रखता हूं, यहां पे इस बिंदु पर प्लस क्यू वन आवेश, इस बिंदु पर प्लस क्यू टू आवेश हमने रख दिया। तब आप बताइए, जब आप आवेश पढ़ रहे थे, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि जब दो आवेश एक के एक दूसरे के पास आते हैं तो वो बल लगाते हैं आपस में। ये आवेश इस पर कोई बल लगाएगा और ये आवेश इस पर कुछ बल लगाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर समान प्रकृति के आवेश है, यानी कि प्लस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, तो ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। प्रतिकर्षण बोले तो एक दूसरे को दूर खेदेंगे, एक दूसरे को दूर खेदेंगे। अगर ये विपरीत आवेश रहते, यानी कि एक प्लस क्यू आवेश रहता, एक माइनस क्यू आवेश रहता, तो ये एक दूसरे में चपकने की कोशिश करते हैं, ये पास में आने की कोशिश करते हैं। हमने आपको समझाया था यही बल होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्लस क्यू आवेश, ये भाई प्लस क्यू आवेश है, तो ये एक बीच में क्या लगाएंगे, एक बल लगाएंगे, और इसी बल के बारे में हमें कूलाम का नियम पढ़ना है। ये फिगर समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं अगर आप ये फिगर समझ गए हैं तो समझिए कि आप कूलाम का नियम समझ गए। चलिए मैं पढ़ता हूं और उसके बाद में आपको समझाता हूं। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, मैंने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अभी जस्ट समझा दिया कि आकर्षण बल किन बिंदुओं के बीच लगता है और प्रतिकर्षण बल किन आवेशों के बीच लगता है, उन दोनों बिंदुओं के गुणनफल का अनुकर्णपाती होता है। ये बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश, यहाँ पर दो बिंदु आवेश है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इनके बीच कोई भी बल लगेगा, वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, इन दोनों बिंदुओं के गुणनफल की अनुकर्णपाती होता है। अनुकर्णपाती मतलब जैसे कि एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा चीज अपने आप बढ़ जाएगा, अनुकर्णपाती मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैंने माना कि इन दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है, जिसे हमने नाम एफ दे दिया, यहां पर हमने नाम एफ दे दिया। अब बोला ये अनुकर्णपाती है बिंदु Q1 Q2 के, तो हमने अनुकर्णपाती कैसे मान देखे, Q1 इंटू Q2 रख दिया, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। क्लियर है यहां तक? फिर बोला है तथा इनके बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी क्या है, आर,
के व्योत करना पाती है। व्योत करना पाती मतलब बट्टे में लिख दोगे तो व्योत करना पाती होता है। ठीक है, बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी जो आर है वो बल के एफ के व्योत करना पाती है। तो एफ और व्योत करना पाती देने के लिए अनुकरण पाती का सिंबल आएगा 1/r² हो जाएगा, ये व्योत करना पाती हो गया। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए ये अनुकरण पाती का सिंबल है, ये भी अनुकरण पाती का सिंबल है, लेकिन हमें दूरी r तो व्योत करना पाती में लेना है, इसलिए तो हमने इसे बट्टे में लिखा भाई और स्क्वायर दे दिया। बट्टे में लिखकर स्क्वायर दे दोगे तो समझो को व्योत करना पाती में लिखा गया। आ गया समझ में? चलिए अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, तुलना करके गुणा कर देंगे। तो देखिए एफ एफ तुलना कीजिएगा, एफ एफ तो एफ आ जाएगा, फिर ये अनुकर्णपाती का सिंबल तुलना कीजिएगा तो अनुकर्णपाती आ जाएगा। अब Q1 इंटू Q2 से गुणा कीजिएगा 1/r² में, तो Q1 इंटू Q2/r² आ जाएगा। आया ये वाला समझ में? देखिए समझाता हूं मैं, Q1 इंटू Q2 गुणे 1/r² में गुणा करना है आपको। ठीक है, जब आप गुणा कीजिएगा भाई तो ये वाला Q1 एक से गुणा होगा तो क्या होगा, Q1 इंटू Q2/r² होगा। आ गया समझ में आपको? चलिए अब ये जो चिन्ह है ये अनुकर्णपाती का, इसे हम हटाएंगे। इसको हटा के जब आप बराबर का चिन्ह लगाइएगा तो इसके जगह पर हम K लिखना पड़ेगा। K क्या है भाई, तो अनुकर्णपाती स्थिरांक होता है। K का मान जो होता है वो 1/4π0 होता है, 1/4π0 बराबर 9×10^9 होता है। ठीक है, तो आप K के जगह पर ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, जो मन आप वो लिख सकते हो। तो मैं K के जगह पर 1/4π0 लिख दिया और ये Q1 to Q2/r², ये जो है ये F, ये बल है। F क्या है? बल है। कौन बल है? ये दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है। तो ये जो सूत्र निकल के आया ये कूलॉम का नियम है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो अगर आप इस प्रकार करके आते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। तो मेरे भाई ये रहा आपका कूलॉम का नियम, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये रहा इसका मैंने पूरे हल किए, ये छोटा सा फिगर बना दीजिएगा, फिर यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैंने सूत्र का निगमन कर दिया है और यहां पर आपका व्यंजक प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए तो वीडियो आज का कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने के याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।